सारंगढ़ में 26 जनवरी से चल रहे गणतंत्र मेला का आज समापन हो गया। बताया जाता है कि इस मेले की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तब से लगातार हर वर्ष 26 जनवरी को यह मेला लगाया जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश की जनता व सैनिकों की सलामती के लिए विष्णु महायज्ञ किया जाता है। सारंगढ़ में चल रहे गणतंत्र मेला का हुआ समापन। दरअसल इस गणतंत्र मेला की शुरुआत 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के हाथों हुआ था। तब से आज तक यह मेला लगातार 26 जनवरी को शुरू होकर 9 दिन तक चलती है और फिर इस मेले का समापन होता है। लोगों की माने तो सारंगढ़ के राजा देश की जनता व सैनिकों की सलामती के लिए इस मेले का आयोजन करता था, जिसमें भगवान विष्णु का 9 दिन तक यज्ञ होता है और हवन पूजा किया जाता है। वहीं इस मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए झूला, सर्कस, मौत कुआं, रंग बिरंगी दुकानें सजी होती हैं, जिससे लोग मनोरंजन करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। वहीं वर्तमान में इस मेले की बात करें तो अब यह मेला सारंगढ़ में मनोरंजन का सबसे बड़ा मेला बनते जा रहा है, जहां दूर दूर से लोग इस मेले को देखने आते हैं और दिन ब दिन मेले में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मेला में झूला बहुत सारा है, वो ये ज़्यादा अच्छा है और बहुत बहुत खाने का खाने पीने का चीज़ जो लगा हुआ है काफ़ी अच्छा है और भीड़ बहुत ज़्यादा ही है आज लास्ट डेट है। मैंने आपको दो तीन दिन तक देखा मेला में, क्या अच्छा लगा लगातार आप मेले आ रहे हैं और कौन सा मेले में जो दुकानें लगी हुई है और जो भीड़ है दर्शकों का वो ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मेले में आने में अच्छा लग रहा है। पिछले 10-15 सालों से मैं सारंगढ़ का मेला देख रहा हूँ, इस वर्ष का मेला ज़बरदस्त है और भीड़ काफ़ी है और आज लास्ट दिन है, लेकिन माहौल एकदम शानदार है। सबसे बड़ा आकर्षण तो मौत का कुआं है, उसके अलावा 2-3 जो झूले आए हैं जो एकदम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक झूले का आनंद उठा रहे हैं। मज़ा बहुत आता है और मैं अपने दोस्त लोग के साथ, पापा के साथ आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत सारे झूले हैं, उसको झूलने से, घूमने से और खाने पीने से। क्या क्या खाए और क्या क्या झूले हैं आज? अब मैं झूला हूँ टोरा टोरा, ब्रेक डांस और वो स्टार ऑफ मून। आपको देखकर ये भी लग रहा है कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं और मेले में बहुत चीज़ें जो मिली हैं, क्या क्या खाए हो आज आप? आज बटाटा पूड़ी और टिकिया चाट और गुपचुप, अभी बस उतना ही खाया हूँ। ये जो है हरी हाट के नाम से आरंभ किया गया था, सर्वप्रथम 1954 में से संभवतः शंकराचार्य के द्वारा विश्व शांति हेतु राजमहल के तत्वावधान में यह यज्ञ आरंभ किया गया और प्रति वर्ष विश्व शांति और विश्व के उत्थान हेतु यह यज्ञ राजमहल के द्वारा प्रायोजित रहता है और राजमहल के पुष्पा आज राजा पुष्पा देवी सिंह जो यहां आकर के इस मेले का आरंभ करते हैं और अंत में उनके द्वारा ही इस मेले का पुनावती भी संपन्न होता है। देखिए पिछले 68 साल से इस मैदान पर जो देश के अमर शहीद थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए, विश्व शांति के लिए और जन कल्याण एवं सारंग क्षेत्र के उन्नति, समृद्धि और विकास के उद्देश्य से इस मेले का शुभारंभ यहाँ के राज परिवार और नागरिकों द्वारा इस मैदान से किया जा रहा है। शुरुआत कब से होती है, कितने दिन तक चलती है मेला? ये मेला पूर्व में 7 दिनों की होती थी, 26 जनवरी से 1 फरवरी तक। इस बीच में देखा गया मेला समिति के सदस्यों द्वारा कि बारिश की वजह से या अन्य कारणों से 2-3 दिन खराब हो जाता था, तो बाहर से जो दुकानदार आते थे वो उनका व्यापार चौपट हो जाता था, तो यहाँ आने वालों को कोई आर्थिक नुकसान ना हो, इस उद्देश्य से पिछले 10 वर्षों से इसको 9 दिन का कर दिया गया। मंदिर भी हरिहाट की कुछ आस्था से जुड़ी हुई क्या इस मेले में? ये देखिए इसका तो बहुत, ये जो हरिहाट का जो यज्ञ स्थल है इसका मतलब शिलान्यास पुरी के शंकराचार्य जी द्वारा किया गया था और पूरे वैदिक रीति रिवाज से किया गया था, इसीलिए इस जगह के प्रति आस्था स्थानीय लोगों की बहुत मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN20।